साल है, ये चार जमादी उसानी को हुआ और चार जमादी उसानी को आपका सालाना उसे मुबारक बनता है। किस तरीक को? चार तरीक को जनाब का उसे मुबारक बनता है। लेकिन जब हमने जनाब की जिंदगी का मुताला किया, जनाब के साथ ये जो जनाब के रुफका, जनाब के जानसार साथी, ये सिरगोदोआ वाले आपके खुलाफा, जलालपुर जट्टा वाले जो आपके मंजूर नजर खुलाफा और पीर साहब, इन सब ने जब सरकार की जिंदगी का मुताला किया ना, तो आप कदम कदम पे ग्यारहवीं शरीफ को अहमियत देते थे। हजूर का जो दिन मुबारक है ना, गुलशन शहर बगदाद का जो दिन मुबारक है 11 तारीख, जनाब के जितने भी सालाना प्रोग्राम हैं, आप अस्ताने पे आते हैं, मुरीदीन हैं, आप आपके गुलाम हैं, मेरे पीर भाई हैं, मेरे साथ हैं, मैं भी इसी अस्ताने का साथ हूँ, गुलाम हूँ। जितने प्रोग्राम आप हर प्रोग्राम को, प्रोग्राम में दिन जो तारीख होती थी ना, वो चांद की 11 तारीख को क्या देते थे? अहमियत देते थे। तो तमाम खुलाफा आपके, जिनके साथ आपकी मोहब्बत थी, आप सर इनके साथ मुतफका फैसले के मुताबिक जो चार जमादी उसानी आपका योम विसाल है, हमने चार जमादी उसानी को छोड़ के जनाब की मंशा, जनाब की मर्जी और जनाब की जो महबूबियत थी तारीख 11, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जनाब का सालाना उससे मुबारक दोबारा वो 11 जमादी उसानी को रख दिया है। ये चार से 11 जाने की जो सबब है, जो वजह है, वो आप सबको पता चल गई है कि ये जो चार से 11 हम गए हैं, ये जनाब की मंशा के मुताबिक गए हैं, जनाब की मंशा और मर्जी के मुताबिक। और जनाब की जो ये जो जनाब का जो दिन 11 है, इससे जो आपकी मोहब्बत थी, आपकी जो मोहब्बत थी और जो लगाव था, जो इश्क था, मेरे मैं कदे में साथी तेरे दम से रौनके, क्योंकि हजूर का हजूर शहनशाह बगदाद के साथ एक कल्बी ताल्लुक था। हजूरे वाला शान तशरीफ लाए।